तो नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आज हम लोग सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूं। दोस्तों आज सरसों में हल्का सा तेजी दोस्तों देखने को मिला है। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं भैया। धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों मानसून आ रहा है, हमें लगता है कि सरसों में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों सरसों का भाव अभी भी मोटा मोटी आप मान लो कि 6000 रुपए क्विंटल से मोटा मोटी 7000 रुपए क्विंटल तक ही है, न इससे ज्यादा बढ़ा न इससे कम हो रहा है। उसके पीछे क्या कुछ कारण आई आज हम लोग वर्णन करते हैं दोस्तों। कब से कब तक एक तूफानी तेजी आ सकती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। किसान साथियों, हमने जैसे कि आपको कल के वीडियो में बताया था कि भारतीय तेल तिलहन बाजार विदेशी बाजारों की चाल पर चलने वाला है, ऐसी कल देखने को मिला। इंडोनेशिया सरकार के पाम तेल के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास के चलते भारतीय बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। वीडियो के अनुसार दोस्तों हम तेल तिलहन के बाजार में चल रही आपको हंगम के बारे में बताते हैं। साथियों, विदेशी बाजार में खाद तेलों की कीमतों में आई गिरावट का असर घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों पर देखा गया। सुबह मार्केट खुला तो बाजारों में स्थिरता देखने को मिली, लेकिन दोस्तों शाम होते होते एक अच्छा तेजी देखने को मिला। जयपुर में बुधवार को सुबह के सत्र में कंडीशन की सरसों भाव 25 रुपए बढ़कर 7025 रुपए क्विंटल तक खुला था, लेकिन शाम होते होते 25 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट भी आ गई थी। और आज दोस्तों गिरावट नहीं, आज 50 से 25 पर आज तेजी देखने को दोस्तों मिला। साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, जानकारों के अनुसार मलेशिया में जहां पाम तेलों की कीमतें में 3% से ज्यादा बुधवार को गिरावट आई, वहीं शिकागो को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सोया तेल के भाव में भी कमी रहा। मलेशिया में अगस्त महीने का वायदा अनुबंध में क्रूड पाम तेल का भाव 195 रिंगिट गिर गया। दोस्तों मैं एक सिंपल बता देना चाहूंगा कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आती है, तब तब घरेलू बाजार में भी दोस्तों गिरावट आती है, आप सभी जानते होंगे। कुछ मानसून के अपडेट जानते हैं सरसों के बारे में। मानसून के कम सक्रिय रहने के कारण कम डिमांड और विदेशी से मिलो रुझान कारण ब्रांडिंग कंपनी ने आज सरसों खरीद कीमतों में 25 से 50 रुपए का कभी तेजी करता है तो कभी गिरावट कर देता है। दोस्तों ये दोस्तों मानसून के चक्कर में शायद हो सकता है, कन्फर्म नहीं बोल सकते। सोनी प्लांट पर भी 25 रुपए प्रति क्विंटल भाव गिर गया था, लेकिन आज भाव 25-30 रुपया दोस्तों चहगा है, एक खुशखबरी है। जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी में एक्सपेलर की कीमतें बुधवार को क्रमशः 1432 रुपये और 1422 रुपये प्रति क्विंटल 10 किलो के पुरस्तों में स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इन भाव में ग्राहकी काफी कमजोर बनी रही। इस दौरान सरसों खल की कीमतें 2700 रुपये क्विंटल पर अरसो रही। दोस्तों आपको दोस्तों बता दूं, अभी आवक भी सरसों का दोस्तों ठीक ही हो रहा है, न ज्यादा कम है न ज्यादा तेजी है। आप बात करेंगे सरसों को रोके या बेचिए, सरसों को रोक भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कुछ दिन आप एक महीना देख भी सकते हैं, एक महीना में क्या होगा, सरसों में क्या भाव घटेगा क्या भाव बढ़ेगा आपको मैं बताते रहूंगा। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। मैं हूं देवसी, धन्यवाद।